स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज वर्ल्ड इन डिटेल्स चैनल है उसका एक वीडियो जिस पे मैंने मिक्स रिएक्शन बनाया है। भारत महान क्यों है इस वीडियो में हम जानेंगे। भारत महान इसलिए नहीं है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ी फौज है या एडवांस टेक्नोलॉजी है फौज के पास या हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन हमारे पास ऐसा ज्ञान है जो हमने सदियों से हमारे पास है, तो उसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, हम हमारे देश को कई नाम से जानते हैं और जब भी हमारे देश का नाम सुनते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और गर्व से बोलते हैं मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। लेकिन क्यों हमारा भारत महान क्यों है? वाई Why is India great? Because we are the second most populous country in the world, और जल्दी हम चीन को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे, इसलिए नहीं, नो। वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार है, ऐसी अद्भुत सोच रखने वाला हमारा प्यारा भारत महान है। हम उस देश के नागरिक है जिसके कण कण में संस्कार और तन तन में सभ्यता की मधुर गंगा बहती है। हम उस देश के नागरिक है जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाती है और सात समंदर पार भी आध्यात्मिकता की नगरी कहलाती है। हम उस देश के नागरिक है जिसने दुनिया को योग और आध्यात्मिकता की अमूल्य भेंट से संचारा है। एक परमाणु सशक्त देश जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़ कर सिर झुका कर नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ने सिखाया है कि सब में भगवान बसते हैं। द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज मोर डाइवर्स देन इंडिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहां दुनिया के हर धर्म के लोग एक परिवार है। यह राम के मधुर भजन, रहीम की स्वादिष्ट खीर, जीसस की प्रेयर, वही गुरु की अरदास और मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है। अनेकता में एकता की इससे बेहतर झलक और भला कहां हो सकती है? आध्यात्मिकता की नगरी कहे जाने वाला हमारा प्यारा भारत हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे विश्व के प्राचीनतम एवं प्रमुख धर्मों का जन्मस्थान रहा है, जहां 19,500 से ज्यादा उपभाषाएं, 122 से ज्यादा प्रमुख भाषाएं और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती है। इतनी भाषा तो किसी महाद्वीप में भी नहीं बोली जाती। एक ऐसा अद्भुत और अतुल्य देश जिसके पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उन सभी के पास उनकी अपनी संस्कृति, भाषा, कला, परंपरा, पहरवेश, नृत्य और संगीत है। द लैंड ऑफ कलर्स, रंगों का देश, जहाँ हर दिन एक त्योहार है। एक ऐसा देश जो अपने आप में ही पूरी दुनिया है। यहाँ स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती, एंटार्क्टिका जैसी बर्फ, सहारा जैसा रेगिस्तान, अमेजोन जैसे जंगल, जापान जैसे खूबसूरत पहाड़, अमेरिका जैसे बीचेस और यूरोप जैसे खूबसूरत शहर है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी उन्नत और समृद्ध है कि जब आज से 5,000 साल पूर्व विश्व की ज्यादातर सभ्यताएं बतौर जंगल में जीवन व्यतीत करते थे, तब हमारा प्यारा भारत रामायण और महाभारत का इतिहास लिख रहा था। भारत के ग्रंथ और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व ही पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन, कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी 64 कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस का विश्व को सबसे पहले लिखित प्रमाण दिया है। भास्कराचार्य ने न्यूटन से 516 साल पूर्व 1150 में ही ग्रेविटी की शोध कर दी थी। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में ग्रेविटी के बारे में विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है। गैलीलियो ने 16वीं सदी में ये खोज की थी कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने उससे हजारों साल पहले 476 एडी में आर्यभट्टियम नाम का पुस्तक लिखा था, जिसमें लिखा है भूगोलो सर्वतोवृत्तः, अर्थात पृथ्वी हर तरफ से गोल है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के जिस अंतर को खोजने में नासा ने इतने साल लगा दिए, उस अंतर को हमारे महान संत तुलसीदास ने 16वीं सदी में ही खोज लिया था। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो, अर्थात हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। वैदिक गणित के अनुसार युग यानी कि 12,000 वर्ष,
सहस्त्र यानी कि 1000 और 1 योजन यानी कि 8 मील यानी 12000 गुना 1000 गुना 8 इक्वल 9,60,00,000 मील। 1 मील इक्वल 1.6 किलोमीटर यानी 9,60,00,000 गुना 1.6 इक्वल 15,36,00,000 किलोमीटर जो कि आज के मॉडर्न टाइम के नासा द्वारा कैलकुलेट किए गए नंबर से बिल्कुल सटीक है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले चीरों का आविष्कार किया था और गणितीय संख्या को सबसे पहले कुसुमद ऋषि ने आगे बढ़ाया था। भास्कराचार्य ने 1150 में ही ये गणना कर दी थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगाती है और खुद की एक परिक्रमा करने में 24 घंटे लगाती है। आयुर्वेद के साथ साथ सर्जरी की सबसे पहले खोज भारत के ऋषियों ने की थी। सुश्रुता ऋषि को द फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उनकी टीम के साथ आज से 2600 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी, आंखों की सर्जरी और यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। आज के मॉडर्न समय में सर्जरी के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स उनकी ही देन है। उनकी पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में भारत में थी जहाँ 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट के साथ साथ 64 कलाओं को सिखाया जाता था। 1850 तक भारत में 7,32,000 से भी ज्यादा गुरुकुल थे जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ नृत्य, संगीत, वादन जैसी 64 कलाओं को पढ़ाया जाता था। और तब ब्रिटिशों ने नोटिस किया कि अगर भारत को गुलाम बनाए रखना है तो भारत के गुरुकुल को नष्ट करना होगा और इसलिए ब्रिटिशों ने 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत गुरुकुल को इलीगल घोषित कर दिया और एक के बाद एक सारे गुरुकुल पर ताले लगा दिए और गुरुकुल में पढ़ाने वाले सारे गुरुओं को या तो मार दिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया और जितने भी ग्रंथ और पुस्तक हाथ लगे उसको इंग्लिश में अनुवाद करके ब्रिटेन भेज दिया गया। अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि 1860 के बाद ब्रिटिशों ने एक के बाद एक खोज कैसे की होगी। सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारा प्यारा भारत 18 सेंचुरी तक विश्व का सबसे अमीर देश था और 1896 से पहले भारत विश्व में डायमंड उत्पादन करने वाला एक लौता देश था। जब भारत ब्रिटिशों के नियंत्रण में था तब ब्रिटिशों ने भारत की $45 ट्रिलियन की वेल्थ चुराई थी और भारत को लूट कर खोखला कर दिया था, लेकिन वो भारत की प्रतिभा और सभ्यता को नहीं चुरा पाए। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिशों ने भारत पर राज किया था आज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक एक भारतीय है और जिस ब्रिटेन ने भारत पर कई सालों तक राज किया था आज उसी देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का है। इतना ही नहीं, जिस ब्रिटेन ने भारत को लूट कर कंगाल कर दिया था आज उसी ब्रिटेन को पछाड़ कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है क्योंकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और जिसकी क्षमता का अंदाजा लगाना भी किसी के बस की बात नहीं है। नल में पानी भले ही थोड़ा लेट आए लेकिन चंद्र पर सबसे पहले पानी की शोध हमारे चंद्रयान-1 सैटेलाइट ने की थी। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला विश्व का पहला देश हमारा प्यारा भारत है और ये किस्सा नहीं कहानी है जो पूरे विश्व को सुनानी है। हम उस देश के नागरिक है जिसने एक ही रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित करके विश्व को चौंका दिया था। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को साइकिल और बैलगाड़ी पर लाया गया था और आज वो दिन है जब हमारी स्पेस एजेंसी इसरो विश्व की 5 सर्वश्रेष्ठ स्पेस एजेंसी में शुमार है और चंद्रयान-3 के बाद भारत विश्व का पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। जब हौसला बना लिया हो उसी उड़ान का फिर देखना फिजूल ही कद आसमान का। 2019 में मिशन शक्ति का सफल परीक्षण करके भारत विश्व का चौथा देश बन गया था जिसके पास अंतरिक्ष में किसी भी देश की सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, भारत विश्व के उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल है जिसने खुद का अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर, टू व्हीलर, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट, दूध और शुगर भारत प्रोड्यूस करता है। स्मार्टफोन, स्टील, सीमेंट, वेजिटेबल, फ्रूट, राइस, वीट और कॉटन प्रोड्यूस करने में भारत विश्व में दूसरे रैंक पर है। इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, डायमंड्स एंड ज्वेलरी प्रोड्यूस करने में तीसरे और कार्स और ट्रक्स प्रोड्यूस करने में चौथे रैंक पर है। द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कही जाने वाला हमारा प्यारा भारत विश्व की 60% वैक्सीन अकेला प्रोड्यूस करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनेरिक ड्रग्स प्रोड्यूसर है। सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारा प्यारा भारत भी आज भी विश्व की सोने की चिड़िया है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारतीयों के पास है। भारतीयों के पास 25,000 टन से लेकर 30,000 तक का सोना है जिसकी वैल्यू इटली, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है।
खेल हम सब की शान है और उसे बनाने वाला महान है, क्योंकि विश्व के कुछ सबसे बड़े खेल कबड्डी, स्नूकर, चेस, जूडो, पोलो, बैडमिंटन, सांप सीढ़ी जैसे खेलों का इजाद भी भारत ने ही किया था। जीरो से लेकर मैथमेटिक्स तथा यूएसबी से लेकर वायरलेस टेक्नोलॉजी की शोध करने वाला भी भारतीय ही है। दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक हमने निर्माण किया है। टॉयलेट बनाने की तकनीक से लेकर शैम्पू तक, कार्बन पैगमेट से बनी पेन की इंक से लेकर शर्ट पर लगाने वाले बटन तक, स्पिनिंग व्हील से लेकर सौंदर्य सजाने वाले आभूषण तक, और आयुर्वेद से लेकर योग तक, ये सब कुछ उस देश की देन है जहाँ कण कण में संस्कार और तन तन में आध्यात्मिकता की गंगा बहती है। भारत वो महान देश है जिसकी महानता को वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। भारत की महानता को दिखाने के लिए ऐसे 100 वीडियोस भी काफी नहीं है। हम उस देश के नागरिक है जहाँ हर 50 मील पर रंग रूप पहरवे से भाषा संस्कृति परंपरा बदल जाती है। हम उस देश के नागरिक है जिसको अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आ गया था, और यही वो बातें हैं जो भारत को महान बनाती है, और ऐसे महान भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा वीडियो बनाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन ये बात जरूर है कि जितना डाइवर्स इंडिया है, जितना रहा है पिछले टाइम में, एक वीडियो नाकाफी है। बिल्कुल नाकाफी है ये वीडियो से, जाहरी बात है कोई नहीं बता सकता कि इंडिया क्या है, भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है, क्योंकि जाहरी सी बात है हिंदुस्तान में एक आम चीज़ नहीं, ये बड़ी एक, मैं इसके बारे में शब्द नहीं है, लेकिन ये है कि आप भी हिंदुस्तानी हैं भाई साहब, इससे इनकार तो कर नहीं सकते आप तो बोलेगा नहीं बाकी हैं, हम तो जमीन ही एक है ना, तारे लगने से जमीन तो नहीं ना बदल सकती। और तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इन भाई का चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज उनकी चैनल पे है, तो उसको भी देखिए और भाई को सपोर्ट की करना मत भूलिए। और जहाँ तक बात रही है इस वीडियो की, तो बहुत ही अच्छी तरीके से सब इंफॉर्मेशन दिया है इस वीडियो में, हमारे कल्चर के बारे में, भाषाओं के बारे में, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे वेदों से या पुस्तकों से प्रेरणा लेके आज हम काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो देख के। और जब ये बाहर के ब्रिटिश लोग आए थे हमारे पे राज करने आए थे, तो गुरुकुल पहले तो बंद कर दिया, इल्लीगल उसको कर दिया, ताकि हम अपने गुरुकुल में जाके ज्ञान ना ले पाए, और ऐसे ही इलिटरेट रहे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा था, लूट आसानी से सकते थे और आपस में लड़ाई करवा के फ़ायदा उठा सकते थे। और जो हमारे यहाँ से ही वो जो पुस्तकें ले गए थे, उसी में से सीख कर उन्होंने प्रोग्रेस किया, कई सारी ऐसी बातें और क्लेम करते हैं कि ये हमने इजाज किया था, ये हमने बनाया है, लेकिन असल में तो हमारे वेदों से या ऐसे कई सारे ग्रंथों से लेकर उन्होंने ये सब टेक्नोलॉजीज भी बनाई है। और आज जो देश हम पे ऐसा कर रहे थे, उसी से हम इकोनॉमी में भी आगे है, मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी ऐसे कई देशों से हम बहुत ही आगे है। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।